Good evening and welcome everyone. My name is Diamond Gupta and I'll be your host and instructor for this particular analysis. Not quite a good day, actually. Din bahut bura tha. Still, we managed to close our day. Especially trades ke related din zyada hi bura tha. And the way I see the market right now is quite bit low. Especially bank Nifty or Nifty ko lekar. हमने सुबह ही एक ट्रेड किया था, नो रिवर्सल ट्रेड, नथिंग. मैंने सुबह एक ही ट्रेड किया, दैट्स इट. और दूसरी ट्रेड मैंने ली ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं थी और दूसरे ट्रेड्स की. दैट्स व्हाट आई थॉट व्हेन आई ट्रेडेड इन टुडेस एनालिसिस. सुबह हम लोगों ने मार्केट में साथ में ही ट्रेड किया था और यहाँ कहीं हमने बाय किया था. बाइंग के लिए बहुत अच्छा लेवल था वो, स्पेशली दिस वन. बाइंग के लिए वेट, ये बाइंग के लिए बहुत अच्छा लेवल था क्योंकि ये हो गया था, क्या बोलते हैं इसको, मार्केट स्क्वीज हो गया था एंड अचानक से ब्रेकआउट हुआ. यहाँ पे हम लोगों ने 160 पे ऑप्शन किया था और 220 तक वो ऑप्शन गया भी था. 240 हमारा 1:1 का टारगेट था लेकिन अचानक से वो रिवर्स कर गया और 80 रुपीज पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया. यही चीज मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि यही चीज आपको करनी है, ठीक है, कि 10:45 के आस 10:55 के आसपास आपको ये चीज एग्जैक्टली करनी है. और यही ट्रेड था, 80 रुपए का स्टॉप लॉस अपने को हुआ, बट दैट्स ओके, है ना. अगले ही कैंडल में मार्केट रिवर्स किया और फिर मैंने बोल दिया था कि मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहेगा, इसी रेंज में रहा. यहाँ पे आपने अगर ट्रेड किया भी होगा तो आपको रिस्क इज टू रिवॉर्ड नहीं मिला होगा, विच इज अगेन वेरी बैड थिंग. एक चीज जो मुझे अभी तक खटक रही है कि मेरा जील का ट्रेड, I was actually bearish on Zeal way back. Actually bullish ही था, लेकिन मैं bullish था बहुत low level से, 183 पे, और मेरा protected था 210 तक. उसके बाद उसने 210 cross किया, 230 cross किया, 250 cross किया, अभी 280 के आसपास है, right? And I want this stock at a lower level right now. I'm not sure how exactly I'm going to do that, but let's see how what the stock react is. फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक ना ही ट्रेड करना बेटर होगा. अगर आपके पोर्टफोलियो में है, वेल एंड गुड. मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बाइंग दी थी, आज मुझे याद है कि 3 महीने पहले ही मैंने आप लोगों को बाइंग दिया था, स्पेशली इन जील, ठीक है. अगर निफ्टी की बात करें तो डेली लेवल्स पे अभी निफ्टी बहुत अच्छे लेवल पे है, ठीक है. मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि निफ्टी अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तो ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आज सुबह निफ्टी ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं था. मैंने ये चीज आपको कल ही बताया था. सेम गोज फॉर फिन निफ्टी, ये ट्रेड करने का कोई लेवल ही नहीं था, है ना. द ओनली प्लेस यू कुड ट्रेड वाज बैंक निफ्टी, क्योंकि इस लेवल के आसपास था और अच्छा आपको मूवमेंट भी दिया था उसने, ठीक है. ये अकेला इसने टच किया, अगर ये ब्रेकआउट दे देता तो आराम से स्टॉक यहाँ पहुंच जाता, 350-400 रुपए के आसपास आपका ऑप्शन आराम से आ जाता. हम 1:1 तो लाइव मार्केट में ले रहे थे, अगर आप 1:2 के लिए भी मेहनत करते तो शायद 1:2 भी आ जाता उस समय, अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन करता तो. क्योंकि वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, पहला न्यूज जो आया उस पर रेपो रेट कॉन्स्टेंट था, दूसरा न्यूज जो आया शायद उसमें इन्फ्लेशन बढ़ गया था, जहां तक मुझे पता है. आई डोंट वॉच एक्चुअली न्यूज, बट आई हैव स्टूडेंट्स हु आर ट्रेडिंग विद मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरे को न्यूज बता देते हैं. आई एक्चुअली डू नॉट लाइक इट, बट आप उसको कुछ नहीं कर सकते उसमें, यू कांट हेल्प इट वाला सिचुएशन है, ठीक है. अभी फिलहाल के लिए वी हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस इन द मार्केट, ठीक है. फिन निफ्टी थोड़ा बहुत नेगेटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी, एक मिनट, वन मोमेंट, या बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत नेगेटिव है क्योंकि कल का लो तोड़ चुका है आफ्टर बीइंग नेगेटिव, ठीक है. अगर मार्केट यहां से टूटना शुरू करता है, जैसे ये लेवल टूटना शुरू करता है, दिस इज योर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल. जब ये टूटेगा मार्केट धड़ल्ले में गिरने लगेगा, सो बी रेडी फॉर द फॉल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर कल गैप अप खुलता है मार्केट, इन दैट केस आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा. मार्केट अगर साइडवेज और नेगेटिव खुलता है, मान लीजिए 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे खुला, तब आपको मार्केट शॉर्टिंग के साइड देखना है. मार्केट अगर मान लीजिए 150 पॉइंट नीचे खुला तो भी आपको शॉर्टिंग की तरफ देखना है, लेकिन अगर गैप डाउन खुलेगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड कोशिश करना है कि नहीं करना है, राइट. एंड आप अगर ध्यान से इस जगह पे देखोगे तो मार्केट आया, ऊपर आया, एंड दिस इज परफेक्ट
हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, सॉरी इनवर्स नहीं, एक्चुअल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है धड़ल्ले में स्टॉक सीधा 42-43,000 पहुंच जाएगा। इस फॉल के लिए मैं कब से वेट कर रहा था, एंड वी हैव इट हियर, राइट? आई होप द मार्केट फॉल्स डाउन। अगर ऐसा होता है तो अपने पास बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने का जरिया रहेगा। मुझे लगता नहीं है कि आप में से किसी ने जील में ट्रेड लिया होगा, सो आई विल नॉट गिव एनी मोर एनालिसिस राइट नाउ। जील एक और दिन अपर सर्किट करने के बाद ही मैं अपने पोजीशन पे ऑर्डर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए पर लॉट मेरे पास समर अराउंड 3-3.5 लाख का लॉस है। लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट गोज ऑन एंड अकॉर्डिंगली विल ट्रेड अहेड। फिलहाल के लिए ओनली ट्रेड इन बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, ठीक है? आप फिर निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन बैंक निफ्टी है। निफ्टी के लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है, अगर पॉजिटिव मार्केट ओपन होता है, इन दैट केस आपका ट्रेड निफ्टी में बनेगा, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखिए मार्केट अभी एक जोन में है, अगर ये जोन ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी पहले ऊपर जाएगा, क्योंकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी नेगेटिव है, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो वहीं रुक जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट? और स्टॉक्स में फिलहाल के लिए एक यूपीएल स्टॉक है जो बहुत अच्छे लेवल्स पे था। मैंने आपको 2 हफ्ते, करीबन 2 हफ्ते पहले आप लोग को लाइव सेशन में बताया था कि यूपीएल ट्रेड करने लायक है अभी फिलहाल, तो यूपीएल में ये ट्रेड बन रहा है। अगर ये वीकली ग्रीन कैंडल क्रॉस करता है एंड देन उसका हाई निकलता है, देन वी कैन बाय यूपीएल ऑन द नेक्स्ट वीक सेशन। फिलहाल के लिए कंसिडर टू टू थिंग्स, पहला तो मेरा वॉइस बहुत खराब हो गया है, एंड सेकेंडली द मार्केट, ठीक है? अभी के लिए कैपिटल बचा के चलिए, मार्केट इज नॉट ट्रेंडिंग एट ऑल। मार्केट वॉलेटाइल है, साइडवेज है, जो भी है, लेकिन ट्रेंडिंग नहीं है। तो प्लीज कोशिश करिए कि मार्केट में ज्यादा ट्रेड ज्यादा क्वांटिटी के साथ मत लीजिए, पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट है। लोग जब ट्रेड करते हैं एंड दे कीप ऑन मेकिंग प्रॉफिट, आप पहला करते हो कि 10 लॉट से ट्रेड किया, लॉस प्रॉफिट हो गया तो 20 लॉट से किया, प्रॉफिट हो गया तो 30 लॉट से किया, मत करो ऐसा, ठीक है? प्रॉफिट होने पर उल्टा लॉट साइज कम करते हुए आओ, 5 लॉट से किया प्रॉफिट हो गया, 4 लॉट से करो, क्योंकि आपके लॉस की प्रोबेबिलिटी आपके सामने आ रही है ना। 10 लॉट ट्रेड करोगे, 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड लॉस होने हैं, प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है। तो जब आपका पहले 3 या 4 ट्रेड प्रॉफिट हो गए, तो अगले ट्रेड्स में प्रॉफिट पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम कर दो, तो लॉस भी कम हो जाएगा, है ना? मुझे पता है कि आप लोग उल्टा करते हो कि हाँ पहले लॉस हुआ उसके बाद और पोजीशन बढ़ा दो, फिर लॉस हुआ फिर और पोजीशन बढ़ा दो और कैपिटल ही खत्म, है ना? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू डू नॉट हैव कैपिटल ही, तो सो डू नॉट डू दैट। वी आर वेटिंग फॉर अ गुड अमाउंट, गुड मार्केट फॉर नाउ। अगर मार्केट अच्छा निकलता है, विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। फिलहाल के लिए कल स्पेशली खाली बैंक निफ्टी ट्रेड कीजिएगा। आई वॉन्ट टू डेस्परेटली सी ए फॉल राइट नाउ, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। रीजन मैंने आपको बता दिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, अभी मार्केट में एक फॉल पेंडिंग है, ठीक है? ये जो फॉल आया है पिछले 3 हफ्तों में, ये जो इतना बड़ा अप मोमेंट था उसका कुछ भी नहीं है। और अगर ये फॉल आ जाता है, आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर ये यहाँ फॉल आ जाता है, ये 100% रिट्रेसमेंट हो जाएगा, जिसका मतलब है यहां से ये क्रॉस करते ही ये पूरा मार्केट नेगेटिव हो जाएगा और शायद हमें मार्केट वापस 40,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर शेयर 45,000 क्रॉस करता है, ये नो मोर ए नेगेटिव स्टॉक एंड देन यू विल फर्दर ट्रेड फॉर द पॉजिटिव एंड। हो सकता है कल 300 पॉइंट अपने को गैप अप भी दिख जाए मार्केट, है ना? फिर 200 पॉइंट का गैप रहेगा, तो अगर वो 200 पॉइंट में इंट्राडे में निकल जाता है, तो सारे अपने प्रीवियस शॉर्ट्स क्लोज क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीक अपने को बहुत ज्यादा वॉलेटाइल देखने का, मार्केट 500 पॉइंट इधर 400 पॉइंट उधर, बहुत कुछ देखने को मिल गया। तो लेट्स होप कि अगले 2-3 दिन अपन थोड़ा सा ठंडे दिमाग से ट्रेड करते हैं, है ना? लॉसेस और प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ गेम, लेट्स मेक श्योर दैट वी रिमेन इन द गेम। सबसे जरूरी वही है कि आप गेम में रहते हैं कि नहीं। दिस इज द ट्रेड टुडे। अगर आप बैंक निफ्टी का ट्रेड देखिएगा, ये देखिए ये है 15,000 का लॉस। बाद में मैंने एक ही बैंक निफ्टी का ट्रेड किया, जो कि मैंने 17 रुपए पे 20 लॉट बाय किया था, 24 रुपए पे सेल ऑफ कर दिया, 2,000 रुपए का प्रॉफिट 20 लॉट के साथ किया था ये। वहां से ये 40 रुपए तक भी गया था ऑप्शन, बट मैं रुका नहीं, बिकॉज अगर आपने मार्केट देखा होगा तो मार्केट वॉलेटाइल था, ट्रेंडिंग नहीं था। अगर ट्रेंडिंग होता तो शायद मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता। अभी यहाँ आपको 29,000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन ये प्रॉफिट एक्चुअल में नहीं है। जील में बहुत बड़े लॉस में हूँ फिलहाल के लिए, आई शो यू द लॉसेस हियर। ये है जील का लॉस फिलहाल,
3,60,000 के आसपास के लॉस में हूँ, जिसमें मेरा 1,40,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। नेट टू नेट अभी मैं बहुत ज्यादा लॉस में हूँ, समवेयर अराउंड 5 लाख के आसपास लॉस में है। अगर मार्केट इससे ऊपर जाता है देन मुझे कोई ऑल्टरेशन करना है। फिलहाल के लिए ऑल्टरेशन में क्या करूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आई ओनली डू 270 का ऑप्शन, जब ये 40 रुपए पे आ जाएगा तब मैं शॉर्ट करूंगा 2 लॉट, एंड हियर यू गो, हियर यू सी द प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं इसको 3 लॉट कर देता हूं तो बहुत अच्छा मेरे को मार्केट दिख जाएगा। ठीक है, फिर मेरा नेट टू नेट यहाँ कहीं होगा 280 के आसपास। ठीक है, और मार्केट अगर 20% ऊपर जाता है तो 10% नीचे भी आएगा। ठीक है, विद दैट एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ आई फील दैट द मार्केट शुड काम डाउन एज फार एज जील इज कंसर्न। ठीक है, आएगा 270 का ऑप्शन, मार्केट 270 भी जाएगा, 280 भी जाएगा, 300 भी जाएगा, है ना, 370 भी जाएगा, लेकिन एक ही महीने में वो मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। वो अगले 2 महीने 3 महीने में मैं वो मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो होता है वेल एंड गुड, लेकिन इंस्टेंट वो मूवमेंट मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस, आई होप यू गाइस एंजॉयड। कल खाली बैंक निफ्टी ही कोशिश करिएगा कि ट्रेड करिए। निफ्टी पॉजिटिव मार्केट होता है तो निफ्टी में, नेगेटिव मार्केट होता है तो बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी फिलहाल के लिए अवॉइड करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली, यू हैव अ लवली इवनिंग, टेक केयर, बाय बाय।